महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ब्रेक द चेन के तहत बाजार खुलने और अनावश्यक बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो यहां बताया जा रहा है कि लगातार महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन लागू किया गया है और ऐसे में पूरे राज्य में यहां सख्ती की गई है। मुंबई जिसके कारण सुनसान पड़ी सड़कों की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें पिछले साल लगे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की यादें एक बार फिर ताजा कर रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, लेकिन मुंबई में बीते दिन के आंकड़े कुछ राहत देते नजर आए। मुंबई में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है और ऐसे में राज्य में लगाए गए मिनी लॉकडाउन का कुछ असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 524 मरीजों की जान भी गई है। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आदेश दिया कि जिन लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखा गया उन लोगों को तुरंत आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। तो यहां इस दौरान उल्लंघनकर्ता को अपने मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर भी देना होगा और कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी घर से बाहर निकलते हैं उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहां जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है और यह आदेश उन 12 जिलों में लागू किया गया जो खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।